हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं यूपी फैजाबाद का रहने वाला हूँ। ये मेरे साथ सच्ची रियल घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ 2017 में घटी थी, जब मैं दिल्ली से वापस अपने घर आया था और घर से 2 महीने रहने के बाद फिर वापस दिल्ली जा रहा था। दोस्तों, मैंने फैजाबाद से दिल्ली के लिए टिकट कराई थी, स्लीपर क्लास की टिकट थी। तो मैं समय से पहले ही अपने रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया और अपनी ट्रेन पकड़ ली। मेरा जो टिकट था वो स्लीपर क्लास का था, तो मैंने जाके अपनी बोगी में वो अपनी सीट पे बैठ गया जाके। उसके बाद मैंने अपने कानों में ईयरफोन लगाया और कुछ समय कटा 9 बजे तक। उसके बाद दोस्तों पता नहीं कब मेरी नींद लग गई और मैं सो गया। फिर अचानक मुझे रात को लगभग 2 बजे के आसपास मुझे नींद खुली। उस समय मेरे पेटों में भूख लगी थी, इसीलिए मुझे मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा तो ट्रेन धीरे धीरे स्लो हो रही थी, लेकिन कहाँ पहुँची थी ये मेरे को मालूम नहीं था। सब यात्री जो थे वो सो रहे थे, उसमें से कुछ यात्रियों थे जो अपने कानों में हेडफोन लगा के गाने सुन रहे थे, लेकिन मैंने उनसे पूछना सही नहीं समझा। तो धीरे धीरे मेरी ट्रेन जब रुक गई तो मैंने देखा कि एक रेलवे स्टेशन था जो सिंगल लाइन का रेलवे स्टेशन था, दूसरी तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ प्लेटफार्म था। प्लेटफार्म पे विचित्र बात ये थी दोस्तों कि वहाँ पे कोई आदमी नहीं थे, बस एक दो आदमी ही घूम रहे थे। उसके बाद जब दूसरी तरफ मैंने देखा तो घोर अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था दोस्तों। और उसी अंधेरे में एक रेडी वाला चाय समोसे की दुकान लगा के बैठा हुआ था। उसी की दुकान में थोड़ा उजाला दिख रहा था, बाकी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तो मुझे भूख लगी थी दोस्तों, तो मैं ट्रेन से उतर कर उसके पास चला गया, ठेले के पास। वहाँ गया तो दोस्तों चाय और समोसा बेच रहा था। उसने मेरे से पूछा, क्या चाहिए बाबूजी? तो मैंने कहा, अंकल मुझे चाय और एक समोसा दे दीजिए। उसने मेरे को चाय और समोसा दे दिया। फिर मैंने उससे पूछा बातों ही बातों में कि अंकल, क्या आपको भूतों प्रेतों से डर लगता है? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं बेटा, भूतों से क्यों डर नहीं लगेगा, जब होते हैं वो लोग तो डरेंगे क्यों नहीं। लड़का हंसते हुए बोला, अंकल लेकिन मैं भूतों प्रेतों पे यकीन नहीं रखता, ये सब मन का वहम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अंकल ने कहा, बेटा बेटा क्या मैं तुमको भूत दिखाऊं? तो अंकल लड़के ने कहा, ठीक हाँ अंकल मुझे भी दिखाओ, मुझे यकीन नहीं होता कि भूत प्रेत होते हैं। तो कहा, ठीक है बेटा तुम स्टार्ट हो जाओ देखने के लिए और मैं भी आपको दिखाता हूँ, पहले ये चाय और समोसा खा लो। अंकल ने चाय और समोसा ला के उसके टेबल पर रख दिया। लड़का जैसे ही समोसा खोल के चाय में डुबोने जा रहा था, उसने देखा कि समोसे के बीच में किसी इंसान की आंख है। उस आंख को देखकर लड़का डर गया और समोसे को उठा के ज़मीन में फेंक दिया और उसी आवाज़ में बोला, अंकल ये क्या है, इसमें इस समोसे में किसी इंसान की आंख है। तो अंकल मुस्कुराते हुए बोले, अंकल थोड़ी बदली हुई आवाज़ में बोले, क्या लड़का ये आवाज़ सुनकर अंकल की तरफ देखा तो अंकल की शक्ल अब धीरे धीरे बदलने लगी थी, उनके दांत और कान बड़े हो रहे थे। लड़का अंकल को देखकर और भी घबरा गया और वो भागने लगा, लेकिन ये क्या, उसके हाथ पांव तो एकदम जाम हो गए थे। वो जैसे ही टेबल कुर्सी से उठा वो गिर पड़ा, अब वो वहां से उठ नहीं पा रहा था और भागे भी तो कैसे भागे, उसके हाथ और पाँव से पूरी शरीर में जोर रह ही नहीं गया था। तभी ट्रेन ने जाने का हॉर्न दे दिया, अब और भी मुसीबत हो गई। मुकेश इस बार जोर लगा कि हिम्मत करके मुकेश इस बार हिम्मत करके ट्रेन की ओर दौड़ने लगा। उसने बहुत सारी मेहनत की, लेकिन ये क्या, जब तक वो ट्रेन के पास पहुंचता ट्रेन तो निकल गई थी, अब तो और बड़ी मुसीबत हो गई उसके लिए, जाए तो कहाँ जाए। वो दौड़ता हुआ रेलवे स्टेशन के अंदर चला गया, लेकिन वहाँ तो घूमने टहलने के बाद वहाँ तो कोई आदमी नहीं था। वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन घूम घुमा कर फिर वही प्लेटफार्म पे आ जाता, वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। अब करे भी तो क्या करे, और वो आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ था। उसके बदलते हुए चेहरे को देख कर मुकेश और घबराता हुआ जा रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने रेलवे ट्रैक पकड़ के ही भागना शुरू किया। भागते भागते काफ़ी दूर भागने के बाद उसने पीछे मुड़ के देखा तो वही चाय वाला फिर उसके पीछे खड़ा हुआ था। फिर उसने बिना
पीछे देखे ही भागता गया भागता गया। काफ़ी दूर भागने के बाद वो थक सा गया था। फिर उसने देखा तो फिर वही आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ था। फिर उसने भागने की कोशिश की, काफ़ी दूर भागते भागते पता नहीं कहाँ पहुँच गया था, उसको खुद नहीं मालूम कि वो कहाँ पहुँच गया। फिर अचानक वो एक जगह जाके बैठ गया, वहाँ पे तभी वो आत्मा उसको दिखाई नहीं पड़ रही थी। कुछ दूर बैठा ही था कि तभी पीछे से किसी ने उसको पकड़ लिया। उसने देखा तो वही आत्मा थी। अब वो और भी भयानक हो गया था। उसके दांत बाहर निकल आए थे, कान बड़े हो गए थे और पूरी शरीर में काले काले बाल हो गए थे। वो उसको पीछे से कपड़ों से पकड़ के खींचते हुए ले जा रहा था और वो चिल्ला रहा था। एक भी बस नहीं चल रहा था, घिराते हुए ले जा रहा था वो शैतान। उसे खींचते हुए ले जा रहा था, तभी उसको एक उसी अंधेरे में एक मंदिर जैसा, छोटा सा एक मंदिर जैसा दिखा। उसके मुंह से निकल गया हाय राम, तभी उस शैतान के हाथ से वो छूट गया। जैसे छूटते ही वो इतनी तेज़ से उस मंदिर के पास भगा और जाके मंदिर के पास बैठ गया। वो शैतान उसको वहीं से घूरता रहा और अपने अपने पास आने के लिए बोल रहा था और तेज तेज गुर्रा रहा था, जैसे शेर गुर्राते हुए इसी प्रकार से गुर्रा रहा था। लेकिन मुकेश उस शैतान को वहीं से देखता और रोता और राम का नाम बार बार लेते जा रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके उसी मंदिर पे टेक दी और इतना थक गया था वो कि उसे अचानक पता नहीं कब नींद आ गई रोते रोते कि उसको खुद ही नहीं पता। सुबह के लगभग 8 बजे थे, चारों तरफ सूरज निकला हुआ था, अपने खेतों में जा रहे थे। उसकी जब नींद खुली तो उसने पाया कि थोड़ी ही दूर पर एक गाँव है और उसी गाँव से लोग अपने खेतों की ओर जा रहे हैं। तो यही थी वो कहानी जो आपको थी बतानी।